यदि आपके दांतों में खोदिला हो चुका और आप खोदिला के दर्द से परेशान है तो इस वीडियो में ऐसा गजब का तरीका बताऊंगा खोदिला को ठीक करने का कि आप कुछ ही मिनटों में आप जड़ से खत्म कर सकते हैं दांतों के दर्द को और दांतों के खोदिला को। देखिए, ये आम बीमारी आजकल लगभग सभी में हो चुकी है। हर लड़का लड़की, हर बूढ़े औरत जो भी है, सभी को कम से कम खोदिला हो ही जाता है। अब ये कैसे होता है ये तो बात की बात है, कैसे ठीक करना खोदिला को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो हमारे दांतों में खोदिला होता है वो किन कारणों से होता है, तो वो बस एक ही कारण से होता है, हमारे भोजन के कणों के कारण से। हम लोग जो भोजन करते हैं तो ये भोजन के कण हमारी इन दांतों में फंस जाते हैं, और जब दांतों में फंस जाते हैं और जब बढ़िया से दांतों की सफाई नहीं हो पाती है तो वही भोजन के कण जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया का रूप लेते हैं और इन दांतों को क्या करते हैं, फोड़ देते हैं। फोड़ने के बाद वो उसको उसमें मतलब कहने का मतलब कि जब ये दांतों को फोड़ देंगे तो वही जो जीवाणु कीटाणु थे वो दांतों को खाना चालू करते हैं, जिसके कारण से हमारे दांतों में बहुत दर्द होती है। और दांतों का दर्द कई बार इंसान के लिए जानलेवा भी हो सकता है। आदमी तो रात रात सो ही नहीं पाता है, जंजे इतना खतरनाक ये खोदिला वाला दर्द होता है। कि तो इसका बस एक ही कारण था, वो कौन सा कारण है कि हम अपनी दांतों की साफ सफाई अच्छा से नहीं कर पाते हैं, यानी भोजन के जो कण है वो क्या होता है हमारी दांतों में फंस जाते हैं। आप कभी मुर्गा खाकर देखिएगा या कोई भी मीट मांस मछली खाकर देखिए, उसके कण कितने हमारे दांतों में फंसते हैं, नुचते नहीं रुकते, फंस जाते हैं दांतों में। और जब बढ़िया सी दांत की सफाई नहीं होती है तो वही जीवाणु कीटाणु बैक्टीरिया विषाणु का रूप लेता है जो हमारे दांतों को खोदिला खोदिला बनाने के काम करता है। अरे खोदिला मतलब उसको खोद देगा, उसको गहरा कर देगा, उसको ब्लैक कर देगा। तो अब कैसे ठीक करना खोदिला से, अगर आप चाह रहे कि आपकी दांत जो है वो खोदिला से पूरी तरह से ठीक हो जाए तो कुछ नहीं करना है, ना कोई दवा लेना है, ना कोई विटामिन लेना, कुछ नहीं। जो तरीका बता रहा हूं उस तरीका को अप्लाई करना है। यदि आप उस तरीका को अप्लाई करते हैं तो आसानी से अपनी दांतों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, यानी खोदिला को जड़ से ठीक खत्म कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले काम करना है कि मान लीजिए कि आपके इस दांत में यदि खोदिला हो गया, यानी ये दांत समझिए कि इस दांत को क्या किया, जीवाणु विषाणु ने खोद दिया है, यानी इस दांत में आपका ब्लैक हो चुका है। यानी जब खोदिला होता है तो उस दांत को क्या करता है, वो ब्लैक कर देता है। तो कहने का ये मतलब कि जिस दांत में आपको खोदिला हुआ है सबसे पहला आपको काम करना है कि उस दांत में लौंग का तेल, क्योंकि दर्द को चाहे आप दवा भी ले सकते हैं डॉक्टर से, ठीक है ना, लेकिन अगर उसके अलावा चाह रहे कि जड़ से खत्म करें, क्योंकि मैंने इसका प्रैक्टिकली करके देख लिया है और ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आप सोचे हैं कि कहीं झाड़ फूक करवा लेंगे या दवा खा लेंगे तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, नहीं, खोदिला दवा से भी ठीक नहीं होने वाला आपका। उसके लिए क्या करना, उखड़वाना पड़ेगा आपको उस दांत को, जब उखड़वाएंगे तो आपके लिए और खतरनाक हो जाता है। इसलिए अगर चाह रहे कि खोदिला को जड़ से खत्म करें ना, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए और समझिए कि आखिर वो कौन सा तरीका है जो आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। देखिए, बाई चांस मान लीजिए कि आपके इस दांतों में खोदिला हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले लौंग का तेल, किसी भी डॉक्टर किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से लौंग का ये तेल मिल जाएगा। लौंग के तेल को क्या करना है कि उसमें रुई में बोर देना है और जिस दांत के जिस भाग में खोदिला हुआ है उस भाग में क्या करना है, इस लौंग के तेल को रुई के साथ दाब देना है। दाबने के कुछ मिनट छोड़ना है, आधे घंटे छोड़ देना है, फिर उसको निकाल कर फेंक देना है। उसके बाद क्या करना है कि जब भी आप भोजन करिएगा, देखो लौंग का तेल वाला क्रिया आपको दिन भर में कम से कम 3 टाइम करना होगा, सुबह दोपहर और शाम। दूसरा क्या है कि आपको जब भी भोजन करिएगा तो एक खड़की ले लीजिए, खड़की समझते जिससे दांतों को खोदते हैं कोई कौन, मतलब कोई समझिए कि एक तरह से खोदने वाला ले लीजिएगा, ठीक है ना। जब भी भोजन करिएगा तो दांतों को खोद खोद कर उसमें जो कण फंसे हैं जहां जहां उसको कणवा को निकाल देना है। यानी भोजन के कण जब दांत में फंस जाते हैं तो उस भोजन को कण को कोशिश करिए कि क्या करे, उसको खड़की से खोद खोद के बाहर निकाल दे। क्योंकि जब दांतों में भोजन के कण रहेगा ही नहीं तो भैया हमें कोई बीमारी होने की संभावना ही नहीं, दांत में खोदिला होगा ही नहीं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो ये दूसरा काम करना, तीसरा का इंपॉर्टेंट काम करना है कि जब भी आप भोजन करें ना तो उसमें ब्रश से अपनी दांतों की सफाई करें। ब्रश समझ रहे हैं, कोलगेट ब्रश लीजिए आप, बांस के दांतों से, नीम के दांतों से आपको नहीं करना है, लेकिन नीम के दांतों से अगर करेंगे तो दांतों के दर्द से हमें राहत दिलाने का काम करती है। तो ब्रश से क्या करना, दांतों की खूब साफ सफाई करिए और जिस भाग पर खोदिला वहां पर भी ब्रश थोड़ा हल्का चलाइए, क्योंकि अगर ब्रश चलेगा तो वहां से जीवाणु कीटाणु को मार के बाहर निकाल देगा। ये तीन काम करना, बस तीन काम कर लेते हैं ना तो गारंटी देते हैं कि एक सप्ताह के अंदर में आपके दांतों का दर्द और खोदिला पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकली करके देखी है और इससे फायदा क्या, हमेशा के लिए ठीक हो चुका है। मेरे भी घर के बहुत सारे लोग परेशान थे, सब एकदम राहत मिल गया। अरे डॉक्टर से दवा लेंगे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो जड़ से खत्म नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है कि लौंग का तेल यूज करिए दिन भर में 2-3 टाइम। उसके बाद जब भी भोजन करें तो क्या करना है, खड़की से उस भोजन के कण को बाहर निकालना है। और तीसरा, जब भी भोजन करना है दिन भर में अगर 3 बार भोजन कर रहे हैं, 3 बार खाना खा रहे हैं, तो जब खाना खाए तो जस्ट बाद ब्रश कोलगेट उठाकर आप मुंह
धोइए। अब आप गांव के लोग देखेंगे तो भैया आपको लाज शर्म लगेगा, अरे भैया लाज शर्म से क्या मतलब है, हमें तो अपने साफ सफाई से मतलब है ना। लोग क्या सोचे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि बीमारी आपका है तो इलाज तो आपको आप ही को ना ढूंढना पड़ेगा। तो जब भी भोजन करें ना तो दांतों की साफ सफाई करने के लिए ब्रश कोलगेट से बढ़िया से रगड़ेंगे रिच रिच के। जितना दांतों की साफ सफाई रखेंगे उतना ही आपका ये खोदिला और दांतों का दर्द आपसे दूर रहेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना, अगर ये तरीका अप्लाई करते हैं तो दांतों का दर्द आपका आसानी से गायब हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से कुछ भी चीज़ आपको जरूर सीखने को मिलेगी। आपको लगता है ना कि यदि इस वीडियो से कुछ भी चीज़ सीखने को मिले ना, तो ईमानदारी से कुछ लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।